नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आज का संपूर्ण पंचांग। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे पंचांग क्या होता है। पंचांग सूर्योदय व सूर्यास्त, चंद्रोदय व चंद्रास्त पर आधारित होता है। पंचांग एक संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पांच अंगों से युक्त। पंचांग भी पांच अंगों से मिलकर बना है। यह पांच अंग हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले पंचांग अवश्य देखें। पंचांग जानने से पहले उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिनकी आज शादी की सालगिरह है। भगवान शिव और माता पार्वती की तरह आपकी जोड़ी बनी रहे। आइए आरंभ करते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक है 14 नवंबर 2022, वार सोमवार, शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079, कलयुग का वर्ष 5123, पूर्णिमांत मार्गशीर्ष, अमांत कार्तिक, दृग ऋतु हेमंत और दृगायन है दक्षिणायन। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:22 से 6:18 तक। प्रातः संध्या का समय रहेगा सुबह 5:50 से 7:13 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 1:59 से 2:39 तक। गोधूलि मुहूर्त का समय रहेगा शाम 5:22 से 5:49 तक। साय संध्या का समय रहेगा शाम 5:22 से 6:45 तक। निशिता मुहूर्त का समय रहेगा रात 11:50 से 12:46 तक। दो शुभ योग बन रहे हैं जो कि इस प्रकार रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा सुबह 9:45 से 15 नवंबर की सुबह 7:14 तक। और रवि योग का समय रहेगा सुबह 9:45 से 15 नवंबर की सुबह 7:14 तक। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:48 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:22। आज चंद्रोदय का समय रहेगा रात 10:03 और चंद्रास्त का समय रहेगा दोपहर 12:36। आज सूर्य रहेंगे तुला राशि में और आज की चंद्र राशि है कर्क। आज पूरा दिन और रात चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष षष्ठी, जो रात 3:24 तक रहेगी। उसके उपरांत कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज का नक्षत्र है पुनर्वसु, जो दोपहर 1:15 तक रहेगा। उसके उपरांत पुण्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आज का करण है गर, जो दोपहर 2:08 तक रहेगा। उसके उपरांत वणिजकरण आरंभ हो जाएगा। वणिजकरण दोपहर 2:08 से आरंभ होकर रात 3:24 तक रहेगा। उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। आज का योग है शुभ, जो रात 11:42 तक रहेगा। उसके उपरांत शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। आज का पक्ष कृष्ण पक्ष और दिशाशूल है उत्तर, इसलिए उत्तर की यात्रा पर जाने से पहले घर से दर्पण देख कर जाएं। आज राहु का वास रहेगा उत्तर पश्चिम दिशा में। आज रात 11:53 तक अग्नि का वास पृथ्वी पर रहेगा, उसके उपरांत आकाश में हो जाएगा। आज नक्षत्र शूल नहीं है और आज पंचक भी नहीं है। आज का शुभ समय कुछ इस प्रकार रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:49 से 12:32 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 10:33 से 12:21 तक। और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:22 से 6:18 तक। आज का अशुभ समय कुछ इस प्रकार रहेगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:05 से 9:27 तक। यमगण का समय रहेगा सुबह 10:49 से 12:11 तक। गुलिक काल का समय रहेगा रात 10:33 से 2:54 तक। और दुर्मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:32 से 1:16 तक। दुर्मुहूर्त दोबारा प्रारंभ होगा दोपहर 2:43 से 3:27 तक। आज के व्रत व त्योहार में आज है बाल दिवस। भारत में हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बच्चों के अधिकारों और उनके शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, जो बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। भारतवर्ष में 1956 से बाल दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन पहले ये 20 नवंबर को मनाया जाता था।
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी जयंती को भारत में बाल दिवस की तारीख के रूप में चुना गया था और तभी से बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के 14 नवंबर को पड़ने वाले जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये थी जानकारी आज के पंचांग की। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।